So hi guys, Anu here, one of your PTE tutor. So this time with the listening marking standard. Okay. So listening का marking का जो contribution है वो नहीं समझेंगे कि marks कहाँ जाते हैं ये मैं कभी और आपको बताऊंगा, but listening की कितनी marking, कितनी value है वो आपको मैं आज आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले ये modules हैं अपने listening के ना, तो इनमें सबसे चार most important modules जो है listening, summary, spoken text, ये आपको 10 marks देगा listening के अंदर. उसके बाद में आते हैं लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, 10 मार्क्स आपको लिसनिंग के अंदर इसके भी मिलेंगे. देन उसके बाद में आते हैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, 8 to 10 मार्क्स आपको ये लिसनिंग के अंदर देगा. देन आते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ऑलमोस्ट 28 to 30 मार्क्स आपको ये लिसनिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. इन सबका एक टोटल करें तो ऑलमोस्ट हो जाते हैं 60 मार्क्स. तो लिसनिंग टोटल बचती है आप लोगों की 60 मार्क्स की. अब जो भी आपको ये कहता है कि 90 मार्क्स की लिसनिंग, 90 क्यों नहीं आई लिसनिंग में, कैसे 90 आएंगे, तो लिसनिंग कितने मार्क्स की है टोटल 60 मार्क्स की, जो आप ओनली सिर्फ लिसनिंग की बात करें तो. अब लिसनिंग में नंबर कहाँ से आएंगे, रिपीट सेंटेंसेस, रिटन लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, ये 30 मार्क्स ऑलमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तब जाके आप 90 ले सकते हैं. दैट्स वाई हम कहते हैं कि लिसनिंग में रिपीट सेंटेंसेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और एज वेल एज रिपीट सेंटेंसेज और डिक्टेशन. तो अब ये था लिसनिंग का स्टैंडर्ड. अगर आपकी लिसनिंग में अब स्कोर नहीं आ रहे तो इसकी वजह ये नहीं है कि आप लिसनिंग खराब करके आ रहे हैं, तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपके रिपीट सेंटेंसेस कैरी नहीं करवा पा रहे हैं आप एग्जाम में इतने अच्छे से कंटेंट को, ठीक है. तो ये एक वजह भी हो सकती है. सेकेंड, अब लिसनिंग एज ए लिसनिंग में उसकी वैल्यू बहुत कम हो सकती है, बट लिसनिंग का स्कोर, जो लिसनिंग के टास्क हैं उनका स्कोर राइटिंग में बहुत ज़्यादा जाता है. तो राइटिंग अगर बूस्ट करनी है तो आपको लिसनिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल पीटी की लिसनिंग में आप जो काम दो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसमें दो चीज़ें हो रही हैं, उसके मार्क्स एक दूसरे में बंटेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करते हैं लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आप सुनते हैं देन आप टाइप करते हैं, इट मीन्स टाइप करते हैं मतलब राइट करते हैं, इसलिए उसके मार्क्स राइटिंग में भी जा रहे हैं, सुनते हैं इट मीन्स उसके मार्क्स लिसनिंग में भी जा रहे हैं. लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, सुनते हैं प्लस टाइप करते हैं राइट करते हैं, इट मीन्स सुनते हैं तो लिसनिंग, टाइप करते हैं राइट करते हैं इट मीन्स राइटिंग. देन उसके बाद में राइट फ्रॉम डिक्टेशन, सुनते हैं इट मीन्स लिसनिंग, टाइप करते हैं राइट करते हैं इट मीन्स राइटिंग. तो इस तरीके से मार्क्स डिवाइडेड है, ठीक है. तो मार्किंग स्टैंडर्ड को ऊपरली मत समझिए कि हाँ कैसे मार्क्स आएंगे. आप लोगों को अपना ये डिसाइड करना है कि मेरे को कहाँ से स्कोर लेना है, मेरी क्या चीज़ इंप्रूवमेंट करनी है मेरे को. तो लिसनिंग इंप्रूव करनी है तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज द की. जिसने राइट फ्रॉम डिक्टेशन करेक्ट की है उसका एग्जाम में स्कोर आएगा ही आएगा. अब लोग किस बारे में वीडियोज बनानी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी बात जो एक राइट गाइडेंस है वो सब तक पहुँचे. तो मेरे को प्लीज़ आप सजेशन भी दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैं क्या आपको मतलब जो है कि जो आप लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है, कि मतलब जो बात आपको पे दे के ना समझनी पड़े. आप फ्रीली भी समझ सकते हैं, ओपनली भी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं कि पे ही करना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए. तो मेरे को बताइए कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ. फॉर श्योर मैं उतनी हेल्प करूँगा अपनी वीडियोज़ के थ्रू, उतनी बता पाऊँगा आप लोगों को कि कैसा आप लोगों का पढ़ाई का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए. आफ्टर ऑल एट द एंड गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो भी एकदम एंड में आके. बट अगर आप बिगिनर हैं तो मेरे ख्याल से पीटी आप एक बार एक समझ लेनी चाहिए खुद को, पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए. देन एट द एंड जब आपको अब लग रहा है कि हाँ अब मेरे को गाइडेंस की जरूरत है, तभी गाइडेंस या सेंटर या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो. सो थैंक यू वेरी मच. इस वीडियो को शेयर जरूर करना, होप आपको ये कुछ नॉलेज देखी ही जाएगी.